लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कोरोना वायरस के खौफ के बीच अक्षय कुमार और अजय देवगन के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, कोरोना वायरस के कारण सूर्यवंशी की रिलीज को टाल दिया गया है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी। सूर्यवंशी की सबसे बड़ी खूबी ये मानी जा रही है कि अक्षय कुमार के साथ अजय देवगन और रणवीर सिंह का कैमियो। हालांकि फैंस को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें कि ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर से सिंघम और सूर्यवंशी एक साथ दिखाई देंगे, वो भी सिंघम टीम में। अपने कॉप सीरीज के लिए एक बार फिर रोहित एक साथ अजय देवगन और अक्षय कुमार को लाने की योजना बना रहे हैं। यहाँ पढ़िए पूरी डिटेल। सिंघम तीन साल 2021 में शुरुआत। अमर उजाला की रिपोर्ट अनुसार रोहित शेट्टी ने अजय देवगन के साथ सिंघम तीन की प्लानिंग की है। इस फिल्म की शूटिंग साल 2021 में शुरू होगी। पूरी फिल्म का ट्विस्ट ये है कि इस कॉप सीरीज को भी रोहित शेट्टी मल्टी स्टारर बनाएंगे। सिंघम तीन फैंस को लंबा इंतजार। रिपोर्ट अनुसार सिंघम तीन में सूर्यवंशी अक्षय कुमार का कैमियो होगा। आपको याद दिला दें कि रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी 24 मार्च को रिलीज होने वाली थी। कोरोना वायरस के कारण इसे अभी रिलीज नहीं किया गया। इस फिल्म की यूएसपी अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह का एक साथ आना रहा है, जिसके लिए फैंस को लंबा इंतजार करना होगा। सिंघम दुनिया भर में 141 करोड़। गौरतलब है कि साल 2011 में रोहित शेट्टी के साथ मिलकर अजय देवगन ने हिंदी सिनेमा में सिंघम का आगाज किया था। 38 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 100 करोड़ के करीब और दुनिया भर में 141 करोड़ के करीब की कमाई की। अजय देवगन सिंघम रिटर्न्स 141 करोड़ के साथ यह अजय देवगन की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है। इसके बाद अजय देवगन को छोड़ रोहित शेट्टी ने कॉप सीरीज के लिए रणवीर सिंह का साथ पकड़ा। सिम्बा ने 350 करोड़। रणवीर सिंह की सिम्बा ने दुनिया भर में 350 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। केवल दो वीक में इस फिल्म ने 200 करोड़ पार कर लिया था। इसी के बाद से सूर्यवंशी का बज लोगों में काफी तेजी से बना रहा। अक्षय कुमार धमाकेदार एक्शन। बता दें कि सिम्बा के बाद रोहित शेट्टी फिर से पुलिस के किरदार को पर्दे पर दमदार तरीके से पेश करेंगे। इस बार उनका साथ देंगे अक्षय कुमार। कॉप यूनिवर्स वाली फिल्म सूर्यवंशी में दर्शकों को जबरदस्त एक्शन सीन्स का डबल डोज देखने को मिलेगा। अक्षय एटीएस चीफ वीर सूर्यवंशी की भूमिका में होंगे।